यदि आप हिंदी विषय के साथ सहायक प्राध्यापक हिंदी के लिए किसी विश्वविद्यालय में साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलिए आज हम देखेंगे कि सहायक प्राध्यापक हिंदी के साक्षात्कार की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। तो इस पर मैं संक्षेप में चर्चा करूंगा और निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि यह अनुभव पर आधारित है। तो जब भी आप साक्षात्कार देने जाते हैं तो हमेशा यह बात ध्यान में रखें कि साक्षात्कार आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व का होता है ना। मतलब साक्षात्कार किस बात का टेस्ट है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, क्योंकि ज्ञान की जहां तक बात है आप यूजीसी नेट अथवा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट पास कर चुके हैं या फिर सहायक प्राध्यापक भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा होती है उसको भी आपने पास किया हुआ है, उसके बाद आप साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो यह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखें। साक्षात्कार के लिए चार बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं किसी भी साक्षात्कार में, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी पदों के लिए बात कर रहा हूं। सबसे पहला होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस का तात्पर्य होता है कि आप कैसे दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं मतलब अभी बताता हूं मैं आपको। किसी भी साक्षात्कार में जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है, अपीयरेंस, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। यह होता है आप दिखते कैसे हैं। दिखने से यहां से मतलब आपकी सुंदरता से नहीं है कि बहुत खूबसूरत है, बल्कि आप आपके चेहरे पर मुस्कान है, आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप सिंपल सोबर कपड़ा पहने हुए हैं, है ना, और सौम्य और शांत दिखाई दे रहे हैं। यह होता है आपका अपीयरेंस। मतलब आपको पहली बार देखने पर सामने वाला व्यक्ति, आपने कुछ बोला नहीं है, सिर्फ आपको देखकर जो महसूस होता है वह होता है अपीयरेंस। इंटरव्यू के लिए सबसे पहली बात क्या है, अपीयरेंस। आपको शांत सहज सौम्य दिखाई देना है और कपड़ा भी आपको फॉर्मल ऐसा पहनना है, आगे मैं बताऊंगा। इसके बाद होता है प्रेजेंटेशन। इसके बाद आप जो प्रस्तुति देते हैं, अपने बारे में जो बताते हैं या आप अपने उत्तर को जिस तरह प्रस्तुत करते हैं, मतलब इंटरव्यू बोर्ड ने आपको जो कुछ भी पूछा उसका जवाब आप किस तरह देते हैं, प्रेजेंटेशन प्रस्तुत कैसे करते हैं आप अपने आइडियाज को, अपने विचारों को। इसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण। यहाँ वाला एटीट्यूड नहीं है कि हम बोलते हैं कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड से मतलब यह है विभिन्न चीजों को देखने का आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है। तो यह इंटरव्यू बोर्ड है वो आपकी थाह लेना चाहता है कि विभिन्न मामलों में आप किस प्रकार के विचार रखते हैं, आपके एटीट्यूड कैसे हैं। इसके बाद होता है कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस सबसे महत्वपूर्ण चित्र है, महत्वपूर्ण चीज है। कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास। कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे कई प्रश्न पूछते हैं और कई बार ऐसा होता है कि आप उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो यदि आप उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आपको असहज नहीं हो जाना है, डर नहीं जाना है, बल्कि निडर होकर सहज और सरल ढंग से बैठे रहना है। हाँ, इंटरव्यू बोर्ड को जरूर यह कह देना है कि क्षमा चाहता हूँ मैडम या सर, मुझे इसका उत्तर पता नहीं है, मुझे इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप क्षमा मांग सकते हैं। तो साक्षात्कार के लिए चार बातें मैंने बताई। पहला अपीयरेंस कि आप दिखते कैसे हैं। इसके बाद प्रेजेंटेशन, आप अपने आइडियाज और विचारों को प्रस्तुत कैसे करते हैं। फिर आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है कि जिस पद के लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं उसके प्रति आपका दृष्टिकोण या आपका विचार कैसा है। इसके बाद है कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। अब पहनावा कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए। लड़कियां या महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं या फिर सूट पहन सकती हैं, लेकिन यह ध्यान रखें जिसमें आप सहज महसूस करते हैं वही कपड़ा पहने, ऐसा नहीं कि बार बार आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हैं, हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और लड़कों के लिए फॉर्मल पैंट शर्ट पहन सकते हैं। फॉर्मल आपको पता ही है कि डार्क कलर का पैंट और लाइट कलर का शर्ट आप पहन सकते हैं, और अभी ठंड का दिन है तो आप ब्लेजर पहन सकते हैं, लेकिन टाई जरूर लगाएं, है ना। यह सोबर और सिंपल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मतलब जो फॉर्मल दिखना चाहिए, और आप इसके साथ सहज होना चाहिए, सहज भी होना चाहिए। कई बार आप टाई लगा लेते हैं आप असहज महसूस करते हैं, कोट पहन लेते हैं असहज महसूस करते हैं, तो सामान्य रहिए। इसके बाद पहनावा ऐसा हो जिसमें आप सहज महसूस करते हैं, लेकिन वह फॉर्मल होना चाहिए, ज्यादा तड़क भड़क होना नहीं चाहिए ना। लड़कियां यदि साड़ी पहन रही हैं तो फिर लाइट पिंक कलर का, लाइट येलो कलर का, लाइट ब्लू कलर का पहन सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है, ये मेरे केवल सुझाव हैं। बायोडाटा, अपने बायोडाटा की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि आप कब, आप किस साल आपने कौन सी परीक्षा पास की, क्या क्या विषय लिए हुए थे, कहीं आपका परसेंट कम है, कहीं आपका परसेंटेज ज्यादा है, इन सारी बातों की आपको जानकारी होनी चाहिए। अपने बायोडाटा के बारे में A to Z जानकारी आपको होनी चाहिए।
इसके बाद है नाम। आपको अपने नाम के अर्थ की भाषिक जानकारी होनी चाहिए कि आपका नाम का क्या अर्थ है। उस नाम के कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो उनसे संबंधित जानकारी भी होनी चाहिए। उससे संबंधित कोई साहित्यिक कृति यदि कुछ है या किसी महान व्यक्तित्व का जन्म हुआ है जिस दिन आपका जन्म हुआ है, तो उन सारी बातों की आपको जानकारी सामान्य रूप से होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि आपको अपने बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, इसको आपको तैयार करना पड़ता है। इसके बाद है पांचवा, विश्वविद्यालय। अपने विश्वविद्यालय व कॉलेज की संपूर्ण जानकारी, यदि वहां से कोई महान विभूति विद्वान अथवा व्यक्ति संबंधित हैं तो उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। जिस विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई की है, जिस महाविद्यालय से आप पढ़कर निकले हैं, उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने गृहग्राम, अपने तहसील, अपने जिला, अपने राज्य, इन सब चीजों की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। यदि आपके विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज से कोई अन्य महान विभूति पढ़कर निकले हैं, महान विद्वान, तो उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पांचवा है प्रिय कवि, लेखक या आलोचक, इनके संबंध में पूरी जानकारी। साक्षात्कार के दौरान आपसे यह पूछा जा सकता है कि आपका प्रिय लेखक कौन है, प्रिय कवि कौन है, प्रिय आलोचक कौन है, तो उनके बारे में आपको अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। इसके बाद है छठवा, हॉबी। अपने हॉबी के विषय में ज्ञान और उपलब्धि यदि कोई हो तो उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आमतौर पर पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि मेरी हॉबी ये है, मेरी रुचि ये है और मैं अपने खाली समय में यह काम करता हूँ या करती हूँ, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और यदि उस अपने हॉबी के क्षेत्र में यदि आपने कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं तो उस उपलब्धि की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। भाषा संबंधी समकालीन विवाद, समय समय पर भाषा से संबंधित कुछ विवाद चलते रहते हैं हमारे राष्ट्र में, जैसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा, मातृभाषा, संपर्क भाषा इत्यादि की आधारभूत जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। भाषा से संबंधित जो भी विवाद है, भाषा से संबंधित जो दृष्टिकोण है, विचार है, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। आठवां, मेडिकल व चिकित्सा की पढ़ाई हिंदी में यह कितना उचित और प्रभावी है, इस पर आपके मौलिक विचार है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल और टेक्निकल एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी माध्यम से शुरू की है अंग्रेजी के स्थान पर, और उत्तर प्रदेश सरकार भी यह प्रयास कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह कितना उपयोगी रहेगा, क्योंकि आप भाषा के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं हिंदी के। नवा, विश्वविद्यालय जिसके लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं उस विश्वविद्यालय के विषय में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, कि उसकी स्थापना कब हुई, उसके अभी कुलपति कौन है, वह सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में क्या अंतर होता है। तो जिस विश्वविद्यालय के लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद है उच्च शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जानकारी। इसके बाद है उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी। इसके बाद जो दसवां पॉइंट है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, उच्च शिक्षा से संबंधित जानकारी। मतलब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत जो विभिन्न प्रकार की सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं होती है उनके संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, ये रूसा क्या है इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, और जो भी अन्य संस्थाएं इस विषय में कार्यरत हैं इस संबंध में उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अभी हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसका उद्देश्य, लक्ष्य, मुख्य बिंदु, विशेषताएं इत्यादि, मतलब शिक्षा से संबंधित जो भी नई नई बातें आ रही हैं, नई चीजें आ रही हैं, उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है उस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की जानकारी जिसके लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं। मतलब जिस विश्वविद्यालय के लिए आप, ये 12वां पॉइंट है और ये 13वां पॉइंट है, उस विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम की जानकारी जिसके लिए आप साक्षात्कार दे रहे हैं। मतलब जैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं तो वहां हिंदी विषय के पाठ्यक्रम, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के संबंध में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद 14वां पॉइंट है कवियों और लेखकों की तुलना। मतलब भारतीय व पाश्चात्य कवियों और लेखकों की तुलना ये आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि वर्ड्सवर्थ और सुमित्रानंदन पंत। वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक कवि हैं और सुमित्रानंदन पंत भारत के छायावादी कवि हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा समानता है। वैसे प्रेमचंद और गोर्की, मैक्सिम गोर्की और प्रेमचंद में क्या समानता है,
भारत और पाश्चात्य देशों के जो साहित्यकार हैं उनकी तुलना आपको करनी आनी चाहिए। कुछ अवधारणाएं और उनमें अंतर, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जैसे मिथक, फैंटेसी, बीम और प्रतीक, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद जो समकालीन लेखक हैं, जो समकालीन है लेखक या कवि या आलोचक या समालोचक हैं उनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद है कुछ रचनाओं की पंक्तियां, जैसे कामायनी की प्रारंभिक पंक्तियां कौन सी है, इस प्रकार के क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। इसके बाद रचनाकारों का जीवन दर्शन और विभिन्नवाद, विभिन्न रचनाकारों का अपना जीवन दर्शन होता है और वह विभिन्नवाद से जुड़े होते हैं, जैसे महादेवी वर्मा के ऊपर बौद्ध दर्शन का प्रभाव है, जयशंकर प्रसाद के ऊपर शैव दर्शन या प्रतिभिज्ञ दर्शन का प्रभाव है, मुक्तिबोध के ऊपर मार्क्सवाद का प्रभाव है, मुंशी प्रेमचंद का दर्शन है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। तो इन सब की आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। इसके बाद विभिन्न समसामयिक घटिया घटनाक्रम है, तो रोज आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसका एडिटोरियल पढ़ना है, संपादकीय पढ़ना है, समसामयिक घटिया घटनाक्रम की जानकारी होनी चाहिए। और दलित विमर्श, विभिन्न प्रकार के विमर्श हैं जैसे दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श इत्यादि से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके बाद नोट वन, साक्षात्कार आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, अभिरुचि और अभिवृत्ति का परीक्षण है। इसमें सबसे अधिक आपके आत्मविश्वास व प्रेजेंटेशन की भूमिका है। उत्तर पता ना होता विनम्रता पूर्वक क्षमा मांग लें, बोर्ड को भ्रामक उत्तर न दें। साक्षात्कार किसका होता है, आपके व्यक्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका एप्टीट्यूड कैसा है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड है कि नहीं, आप पढ़ने में वास्तव में रुचि रखते हैं कि नहीं, और इनमें भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, आप में आत्मविश्वास है कि नहीं, और आप अपने आइडियाज और अपने विचारों को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और कभी भी आपको यदि कोई उत्तर पता ना हो तो आपको घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत ही विनम्रतापूर्वक आप क्षमा मांग लें कि क्षमा चाहता हूं मुझे इसका उत्तर पता नहीं है। आपको डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड को भ्रामक उत्तर, गलत जानकारी देने का प्रयास ना करें, भ्रामक उत्तर ना दें। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिस सदस्य ने प्रश्न किया है उससे नजर मिलाकर आत्मविश्वास से उत्तर दें पर घूरे नहीं। जिस सदस्य ने आपसे कोई प्रश्न पूछा है, बोर्ड के जिस मेंबर ने आपसे प्रश्न पूछा है, आप उनसे नजर मिलाकर बहुत ही शालीनता के साथ अपने उत्तर दें पर उन्हें घूरे नहीं। इसके बाद दरवाजा नॉक करके और अनुमति लेकर अंदर जाएं। जब आप इंटरव्यू कक्ष में, साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करते हैं इंटरव्यू रूम में, तो दरवाजा नॉक करके मे आई कम इन बोलकर आप अंदर प्रवेश करें, अनुमति लेकर अंदर जाएं। इसके बाद बोर्ड द्वारा चेयर ऑफर करने पर धन्यवाद कहकर ही बैठें। जब आप अंदर जाएंगे तो बोर्ड के सभी मेंबर्स को पहले आपको अभिवादन करना है, प्रत्येक मेंबर को अलग अलग अभिवादन करना है, नमस्कार करना है। उसके बाद जब वो आपको बैठने के लिए बोले तो धन्यवाद कहकर आपको शालीनता के साथ वहां पर बैठ जाना है। इसके बाद आप जहां बैठे रहेंगे वहां पर बगल में एक पानी का गिलास रखा रहेगा, और अगर आपको पानी पीने की आवश्यकता है, कोई घबराहट महसूस हो रही है और पानी पीना चाहते हैं, तो बोर्ड से अनुमति लेकर आप पानी पी सकते हैं। इसके बाद अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले सभी सदस्यों का बारी बारी से आप अभिवादन करें, और साक्षात्कार होने पर, अगर साक्षात्कार आपका समाप्त हो जाता है और वो आपको बाहर जाने की अनुमति मिल जाती है, तो आप धन्यवाद कहकर आप बाहर आएं। लेकिन बाहर आते समय यह ध्यान रखें कि दरवाजे के पास आकर आप दरवाजे को बहुत धीरे से बंद करेंगे, लेकिन पीछे मुड़कर बोर्ड मेंबर्स की ओर नहीं देखेंगे, शालीनता के साथ दरवाजा बंद करेंगे। इस प्रकार अंत में मैं कहना चाहता हूं कि जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वह आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपके ज्ञान का परीक्षण है। तो कितने सहज और सरल ढंग से आप अपनी बातों को रख पाते हैं, कितने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, इसलिए पूरे इंटरव्यू के दौरान आप बहुत सरल और सहज और प्रसन्नचित रहें, चेहरे पर मुस्कान रखें और आत्मविश्वास रखें। सफलता और असफलता दोनों ही, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता है, लेकिन हम अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाकर हम जो चाहते हैं उसे हासिल जरूर कर सकते हैं। आप सबको सफलता के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि मेरा आज का यह प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।